हेलो बच्चों, तो आज का जो ये टॉपिक है आपका जीएसटी लेवल पे है और हमने आपको इससे पहले जीएसटी का पार्ट वन पार्ट टू डिस्कस किया था। इसमें हमने आपको क्या बतलाया था कि जो जीएसटी में सबसे पहले बेसिक ज्ञान के लिए आपको नॉर्मल परचेज एंड सेल्स पे टैक्स लगानी है। इसके बाद हमने बताया था पार्ट टू के अंदर में कि आपको अलग अलग बिल पर आईजीएसटी और सीजीएसटी कब लगानी चाहिए या ऑटोमेटिकली वह कैसे काम करता है आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है, आज जो हम तीसरी पार्ट बता रहे हैं, इस पार्ट में आप जैसा कि देख रहे होंगे जीएसटी पार्ट थ्री में हम आपको बताएंगे ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन इन टैली इनवॉइस बिल पर, टैली इनवॉइस बिल, यानी कि जो बिल पर जो टैक्स लगते हैं ये आपको लगाना नहीं पड़ेगा, बस एक सेटिंग करके छोड़ देना है, आपको ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। ये फीचर टैली ने इसलिए दिया है ताकि बच्चों को ज्यादा परेशानी ना हो। और आप एट थ्री देख रहे हैं तो कोशिश करना है कि पार्ट वन और पार्ट टू सही से देखें ताकि आपको कभी भी कहीं पर दिक्कत ना हो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको लेकर चलते हैं टैली के स्क्रीन पर। हेलो बच्चों, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि टैली में आपको जो बिल बनाने हैं किस प्रकार से आपको बनाने हैं और आपको कैसे बनाने हैं, तो हम बार बार आपके लिए इतना मेहनत करके बनाते हैं। तो देखिए आपको करना कैसे है, तो हमने बताया आज की डेट में कि ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन इन टैली, यानी कि अगर आप टैली के बिल पर, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली टैक्स लग जाए, हमें लगाना नहीं पड़े, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने को जाना कहाँ है, तो इसके लिए ना सबसे पहले हमें एक सेटिंग करना होगा, और इसके लिए कहाँ जाना है, तो गेटवे ऑफ टैली पर। तो देखिए आपके सामने हम यहाँ पर सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली को ओपन करने से पहले हमें कंपनी जो हमने पहले से बना रखा है इस कंपनी को ओपन करेंगे। इससे पहले देखिए हमने आपको पार्ट वन और पार्ट टू के सेशन में देखिए जो जो चीज़ें हमने लिख रखे थे, हमने इन सभी चीज़ों को आपको दिया भी था और कहां पर किस प्रकार से लेजर बनाने हैं इस सारे चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों अगर हम फिर से डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आज का ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि सर ये आपने पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन बच्चों अगर हम ये पहले बता देते आप मेहनत नहीं कर पाते तो होता क्या कि आप फिर बीच में जाकर कभी अटक सकते हैं। और ये जो अभी टैली का जो ये थ्री पार्ट है, इसके बाद आपके अभी बहुत सारे पार्ट इसके आने बाकी हैं। यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो सही ढंग से ध्यान से समझिए, आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक, चलिए हम लोग टैली यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। और हम जिस कंपनी पे काम कर रहे हैं, हम लोग MJCC पे काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जब भी कंपनी खोलते हैं सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं और यहाँ पर हम अपना टैली जो हमने मल्टीपल टैक्स रेट के लिए बनाया था हम इसको ओपन कर लेते हैं। अभी क्या है कि जब हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जा रहे हैं और F9 परचेज में जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये पहले से सेटिंग आई हुई है। और सबसे पहले मैं आपको एक एंट्री भी करके दिखा देता हूँ, डेट रेफरेंस नंबर ये सब तो आपको पता ही है। और इन सभी चीज़ों को देखिए हमने अनुपम डिसेज लिया है, बसरा ले लिया जो भी लिया है। तो देखिए यहाँ पर स्टेट कहाँ है, बिहार है, ठीक है। इसी प्रकार से पैराडाइज है, प्रधान है, जो भी आपको लेना है ले लीजिए, क्योंकि हमें किन्हीं से कोई नाम से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमने एक चीज़ और बताई थी कि इसके लिए ना आपको स्टेट ध्यान में रखना अति आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सारी चीज़ को हमने डिस्कस कर रखा, अगर आप इस सब चीज़ को नहीं लिखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। आप एक चीज़ को आप टॉपिक को लिखें, ठीक है। तो देखिए हम इनको लिए आगे पर जाते हैं, पहले टैली पे ओपन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको पहले एक एंट्री करके दिखा देते हैं। हम यहाँ से परचेज अकाउंट हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने एक प्रोडक्ट जो है 12% का जो जींस है हम इसको सेलेक्ट किया, एक पीस, ठीक है। जैसे इंटर बटन में हमने प्रेस किया तो आपने देखा कि ये यहाँ पर राउंड ऑफ भी लग करके आ रहा है। और राउंड ऑफ क्यों ज़रूरी है बच्चों, तो ये सारी चीज़ों भी आज हम इस सेशन में आपको बता देंगे कि राउंड ऑफ का लेजर कैसे बनाना है, किस टाइप से बनाना है।
इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट आएगा अब थोड़ा सा छोटा छोटा हो जाएगा, जिसमें हम आपको बतलाएंगे कि पैकिंग चार्ज यानी कभी ढुलाई उलाई का अलग से जो चार्ज ली जाती है, तो कुछ कुछ चीज़ें कि आपको स्टॉक आइटम्स के ऊपर ली जाती हैं और कभी कभी ऐसी होती है कि आपको यहाँ पर साथ में ही दी जाती है परसेंटेज, ठीक है। तो हम उन सब चीज़ को देखेंगे। देखिए आपको यहाँ पर टैक्स अपने आप लग गया। इसी प्रकार से अगर हम कोई दूसरा बिल भी बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने लिया 18% वाला, तो जैसे इंटर बटन प्रेस करके एक पीस 18% का लग गया। अब ये देखना चाहते हैं कि ये सही में लगा है कि नहीं, तो इसके लिए हमने पिछले सेशन में अच्छी तरीकों से बताया था कि कभी भी लेजर देखना होगा तो आपको टैक्स एनालिसिस पे जाने के बाद F1 जैसे ही प्रेस करेंगे डिटेल्स में आएंगे Alt+A Alt+F1, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को ये डिफाइन कर रहा है कि कितना परसेंट वाला कितना आइटम का है। अब यहाँ पर देखिए यही चीज़ हम आप जाते हैं काउटी वाउचर में एफिट बटन प्रेस करते हैं ना, तो एफिट में जो है आपका सेल्स वाउचर में नहीं काम करेगा। देखिए एफिट में जब यहाँ पर हम जा रहे हैं तो एफिट में देखिए आपका पहले से कुछ भी नहीं आ रहा, अगर यही आप F9 प्रेस करते हैं तो देखिए पहले से आ रहा है। तो इसके लिए टैली में आपको अलग से एक फीचर दी गई है ताकि लोग इनमें काम को आसानी से कर सकें। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इनेबल करना कैसे होगा, तो जिस तरीक़ों से हम परचेज में जाकर कर रहे हैं बच्चों सेल्स में कर रहे हैं, इसी तरह से आप परचेज के अंदर भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेल्स पे लगा हुआ है और परचेज पे लगा हुआ है और यहाँ से हम सेल्स पर दिखा रहे हैं, इस सेल्स पर देखिए कुछ भी लगा हुआ नहीं है। तो चलिए कैसे लगाना है, आपको यहाँ पे प्रोसेस भी लिखा हुआ साथ में कि आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, अकाउंटिंग इन्फो पे जाना है, ठीक है। अगर हम आपको इसको थोड़ी सी नॉर्मल करके दिखाएँ, देखिए चले दिखेगा नहीं तो यहां से ही देख लीजिएगा। देखिए आपका सबसे पहले हमने आपको प्रोसेस लगा दिया है कि गेटवे ऑफ टैली पे जाकर अकाउंटिंग इन्फो पे जाना, अकाउंट्स इन्फो, अकाउंटिंग नहीं अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स इन्फो पर, अकाउंट्स इन्फो पर जाना। इसके बाद आपको कहां जाना है, वाउचर टाइप पर अल्टर पर जाना है, ठीक है। अब इसके बाद लिखा हो कि अब जिस वाउचर के साथ आपको जो लगानी है आप उसको सेलेक्ट करें। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम जाते हैं और टैली पर जाते हैं, ये चीज़ें आप भी याद रखिएगा कि हमने कहाँ पर लिखी थी। तो सबसे पहले तो हमने आपको दिखाया कि इसके लिए आपको जाना कहाँ है, तो आपको सबसे पहले वापस निकल जानी है और आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो पर। इसके बाद जैसे ही यहाँ प्रेस करके आप इंटर मारेंगे, अब इसको थोड़ी सी हम और जूम करके दिखा दें ताकि अगर किन्हीं किन्हीं को प्रॉब्लम होंगी तो उनको भी दिक्कत ना हो। देखिए तो ये है मास्टर के अंदर आपका अकाउंट्स इन्फो, हम इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर मिल जाती है आपको वाउचर टाइप्स। लेजर में बिल्कुल नहीं जाना है, कहाँ जाना है, वाउचर टाइप्स। वाउचर टाइप्स पे जाने के बाद आपको फिर मिलेगा अल्टर, आपको अल्टर पर जाना है, ठीक है, इंटर मार के आप जा सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या लिखा हुआ था कि यहाँ तक आने के बाद जिस भाउचर के साथ है जो भी चीज़ आपको लगानी है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे टैली में आ जाते हैं और हमें किस भाउचर के साथ करना है, तो सेल्स भाउचर के साथ। तो याद रखना क्रिएट में जाइएगा तो न्यू बन जाएगा, इसलिए अल्टर में जाइएगा तो उसी के साथ लग जाएगा। तो आप यहाँ से सेल्स पे आएंगे, अब जैसे ही आपने सेल्स पे आया तो देखिए ये आपका भाउचर टाइप्स का अल्टरेशन का ऑप्शन खुल गया, यानी कि सेल्स भाउचर के अंदर जिस तरह से आपको परचेज, देखिए हम यहाँ पर ना परचेज भी आपको करके दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें परचेज में अगर कोई चीज़ चेंज करनी है तो हमने P4 परचेज किया, परचेज आ गई, इंटर से हमने सेलेक्ट किया तो देखिए ये परचेज आ गई। तो जैसे आपको परचेज की आ रही है ना वैसे ही सेम टू सेम आपका ना सेल्स का आ रही है। तो हमने स्क्रैप बटन दबा करके एक बार परचेज को सिलेक्ट किया, एक बार हमने सेल्स को सिलेक्ट करके दिखा रहे हैं, हमारा परचेज पे ऑलरेडी लगा हुआ था, सेल्स पर लगानी है। तो चलिए इसको छेड़छाड़ नहीं करना, नेम को छेड़छाड़ नहीं करना है बच्चों, छोड़ देनी है, इंटर बटन प्रेस करके आना है। एलियास नेम के बारे में मैं बता दूं कि एलियास नेम का मतलब उपनाम होता है, आप इन्हें अलग से साइट से समझने के लिए दे सकते हैं। वापस इंटर मारते हैं, एब्रिविएशन में भी आपको कुछ नहीं देना है, बताता है कि आपको एक प्रोडक्ट जो है क्या, जो वाउचर है क्या दर्शाता है, सेल के लिए दर्शाता है। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे बच्चों तो ए मेथड ऑफ वाउचरिंग नंबर,
तो ये सब का भी वीडियो मैं आगे देने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे साथ रेगुलर बने हुए हैं तो आप इन सभी चीज़ को देखिएगा, हर एक चीज़ को मैं पॉइंट बाय पॉइंट बारीकी से जिक्र करूँ दर दिखाते हुए। देखिए अदर वीडियो की तरह ऐसा नहीं है बच्चों कि शॉर्ट में बना करके मैं व्यूज के बारे में चलूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी लोग 10 ही लोग अगर पढ़ें, लेकिन अगर वो सही ढंग से पढ़ें और वो हमें अगर सही ढंग से रिजल्ट देते हैं तो हमारे लिए वही खुशी की बात है। तो देखिए मेथड ऑफ वाउचरिंग नंबर सिर्फ ऑटोमेटिकली के बारे में बता देते हैं कि ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि जब भी आप कोई भी इनवॉइस बिल आप पास करते हो ना तो क्या होता है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, खुद से आने लगता है। ये इसी की वजह से होता है। अगर बाद में आप ओवरराइट मैनुअल करना चाहें तो मैं आगे बता दूंगा, फिलहाल हम जीएसटी पे चल रहे हैं तो आप इसे ऑटोमेटिक ही छोड़ दें। आगे में देखिए यूज एडवांस कॉन्फिग्रेशन है, तो ए ऑप्शन भी हम बताएंगे क्योंकि ए ऑप्शन भी हम अभी फिलहाल आपको दिखा देते हैं। आपको करना नहीं है, नो करना नहीं है, ये सिर्फ मेरे साथ आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे यस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ना कुछ स्टार्टिंग नंबर आ जाएंगे। जैसे आप किसी भी बिल पे देखिएगा ना कि बिल के शुरुआत में आपको ना शुरू में प्रीफिक्स नंबर, जैसे आपको SR001, MGCC001, लास्ट में ईयर वगैरह इस तरह का चेंज रहता है, या बिल पर ना 1, 2, 3, 4 दे करके देने के बजाय आपको 001, 002 ऐसे करके जो है आपका दिया रहता है। तो ये सब कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। और जैसे आप पर सेल्स के लिए कर रहे हैं ना एग्जैक्ट वैसे ही आपका परचेज के लिए भी होता है, कोई चेंजेस नहीं है। इसी तरह से पेमेंट रिसिप्ट किसी के साथ आप करना चाहें कर सकते हैं। और यदि आपको खुद का एक नया वाउचर दिखाना है, जैसे मान के चलता हूँ कि मैं सेल्स की जगह करता हूँ MGCC सेल्स, ठीक है, तो आप MGCC सेल्स भी कर सकते हैं। तो फिर हमको नो रखना है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है कि अलाउ जो नरेशन का ऑप्शन बिल में आना चाहिए या नहीं, तो ये चीज़ें के लिए यहाँ दिख रही है। इसके बाद आपको नेक्स्ट आपका नरेशन का, लेजर का अलग अलग वाउचर यहाँ पर प्रोवाइड का ऑप्शन दे रहा है। इन सभी चीज़ों को हम एक एक कर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन बच्चों, इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ऑप्शन है नेम ऑफ क्लास। तो इन दो में से किसी भी जगह से जो है आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। अब दोनों में टैलिन में दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो भी जानते हैं। देखिए यदि आप यहाँ के माध्यम से इन दोनों के ऑप्शन के माध्यम से जाते हैं तो आपको सेल्स भाउचर के अंदर ही प्रोडक्ट का ये सारा चीज़ काम करेगा। लेकिन यदि आप क्लास अपना खुद का बनाते हैं तो जैसे ही आप सेल्स भाउचर पर जाएंगे तो वह चीज़ आपको खुलेगा कि आप किसमें सेल्स करके देना चाहते हैं। तो फिलहाल हम आपको दोनों तरीकों से बता देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं, देखिए आपको नोट्स में भी हमने जिक्र किया है बच्चों, अगर नोट्स चाहिए तो आप हमें बताइएगा, मैं आपके लिए सारी चीज़ें व्यवस्था जो है कर दूंगा। देखिए अब यहाँ पर आप तो पता ही था कि सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमने लिखा था नीचे में ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन इन टैली के अंदर में, के लिए सबसे पहले हमें एक क्लास या इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन को यस करना होगा। जब भी आपको ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेशन आपको करवाना है, ऑटोमेटिकली लगाना है, तो आपको क्या करना होगा, एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, या आपको मिल जाएगी एक ऑप्शन क्लास की, तो इसको यस करना है। और इसके नीचे जब भी आपको ऑप्शन मिलता है सेट अल्टर डिफॉल्ट करके, तो इसको यस करने से ना आपको नया ऑप्शन खुल जाता है जिसके मदद से आपको आगे का सारा कार्य करना है। तो देखिए बच्चों ये सारी चीज़ तो हम आपको टैली में दिखा ही रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी बना के नहीं रखा, नोट्स में ये सारी चीज़ रहेगी। तो देखिए हमने यहाँ पर डिफॉल्ट अकाउंटिंग जो एलोकेशन है आपको हमने यहाँ पर कर दिया यस। अगर आप कीबोर्ड माउस से कर रहे हैं तो आप दो बार अगर आप इसको प्रेस करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो आपको यस हो जाएगा, और अगर आप बाई प्रेस करके भी करना चाहें तो यस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी यस हो गया। अब इंटर बटन प्रेस करके आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपके सामने एक वाउचर आ जाएगी। यदि आप नेम ऑफ क्लास में जाएंगे तो पहला बार जो आपको खुल के ऊपर में आएगी उसको छोड़ देना होता है, और दूसरे बार से ये दोनों ही एग्जैक्ट उसी तरह से आपका रह जाता है। सबसे फर्स्ट पूछ रहा है कि डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर ऑल आइटम्स इन इनवॉइस एक्सेप्ट फॉर द आइटम स्पेसिफाई बिलो। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पहले से सेल्स अकाउंट बना हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर बिल्कुल न्यू आपको बना कर सिखला रहे हैं, क्योंकि पहले से रहेगा तो हो सकता है मन में कुछ अलग प्रकार का डाउट्स हो। तो हम देखिए कीबोर्ड से अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं, अल्ट सी, या तो यहाँ पर आपको देखिए एक सेल्स लेजर
आ गया है। और जीएसटी का ऑप्शन तो आपको इनेबल करना ही करना है, क्योंकि आप जीएसटी का ऑप्शन अगर इनेबल नहीं रखेंगे तो आगे का काम नहीं होगा। तो आपको तो पता ही होगा कि F11 F3 करके आपको जो ऑप्शन है उसको यस करके आगे बढ़ना होता है। चलिए, तो हमने यहाँ पर एक लेजर बनाते हैं सेल्स अकाउंट, और अंडर सेल्स के लिए ना कुछ और हमको देना होगा, सेल्स डबल एस कर देते हैं और अकाउंट, क्योंकि पहले से बना हुआ ना तो एक नाम से दो नहीं बनता है, इसलिए हमें नाम को चेंज करना पड़ा। अंडर क्या देना है, सेल्स अकाउंट, और ये सेल्स अकाउंट के लिए ना हमको चुनना होता है। राइट साइड में आप जाइएगा तो देखिए सेल्स अकाउंट आया हुआ रहेगा, इंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक बात को ध्यान रखना है कि जीएसटी अप्लीकेबल रखनी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नेचर वगैरह ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं देनी है, ठीक है ना। ये सारे चीज़ में से आपको कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना है, नहीं तो अगर आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपको फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से आपको अलग अलग आइटम रेट का भी देना है आप इसे सेलेक्ट करें। तो देखिए फिलहाल इसको हम नो रखते हैं। गुड्स के लिए बना रहे हैं तो गुड्स, सर्विस के लिए बना रहे हैं तो सर्विस। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यस रखना है सिर्फ, हम आगे बढ़ जाते हैं नॉर्मल वे से। इसके बाद आपको यहाँ सेट अल्टर क्लास, टैक्स क्लास मिलती है, परसेंटेज मिलती है, आप इसको में कुछ भी नहीं चेंज करना है, और आपको यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करते हुए नीचे वाला ऑप्शन पे आ जाना है। तो ये तो आपसे पूछ रहा था कि किस में आपको लगाना है, आपको सेल्स में लगाना है। अब देखिए यहाँ पर लेजर नेम, एडिशनल अकाउंटिंग एंट्री, एडिशनल का मतलब जो आप एक्स्ट्रा इस सेल्स भाउचर के अंदर में लगाने वाले हैं। तो देखिए अगर आपको पहले से बना हुआ है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपको बनानी होगी। तो हमने पीछे वाला में बता दिया था बनाना, आप उसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो देखिए हमको क्या क्या बिल पे दिखाना है, तो हम सबसे पहले ना बिल पे दिखाएंगे SGST, इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, फिर हमको दिखाना है CGST, देखिए यहाँ पर आई हुई है, इंटर प्रेस करना है, फिर इंटर मारेंगे हमको, और क्या दिखाना है, IGST, ठीक है, हमने भी लिख लिया इंटर बटन। अब हमने चाहते हैं कि राउंड ऑफ का भी ऑप्शन आ जाए, क्योंकि हमें बार बार ना लगाना ना पड़े, तो कीबोर्ड से ना Alt+C प्रेस करना, क्योंकि जब जब आप ही को न्यू लेजर बनाना होता है ना तो Alt+C करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि न्यू लेजर क्रिएशन आ जाती। तो हमको किसका लेजर बनाना, राउंड ऑफ का, तो हमने बना दिया राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ क्या होता है, तो बच्चों जो आपका पैसे जो होते हैं ना, अगर कभी कभी बिल बनाते समय ना कुछ अमाउंट पैसे में आ जाती है तो उसको राउंड करके ना 0-0 कर देते हैं या 1 रुपये में बदल देते हैं। इसको अंडर कहाँ रखना, देखिए राउंड ऑफ भी बता रहा ना कि पहले से बना हुआ, इंटर मारना तो आगे नहीं बढ़ रहा, तो राउंड ऑफ के भी दिखाने के लिए हमको अलग से हमने 3F दे दिया, ठीक है। अभी आगे बढ़ गए, अंडर में आपको इनडायरेक्ट इनकम भी ले सकते हैं और एक्सपेंस भी ले सकते हैं, इन दोनों में से आप कुछ भी लेंगे ना तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर हमने कर दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं इंटर मारते हुए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इज GST अप्लीकेबल, तो देखिए इसके लिए कोई मायने नहीं होता है पैसे का, इसलिए आपको इसको रखना नॉट अप्लीकेबल। अगर ये अप्लीकेबल दिख रही तो एक बार इंटर मारिएगा ना, तो फिर बैक स्पेस कीजिएगा, अगर आपको नहीं दिख रहा तो बैक स्पेस कीजिएगा, तो देखिए तीनों ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, तो आपको यहाँ पर रखना है नॉट अप्लीकेबल। इसके बाद देखिए इंक्लूड इन एसेसली वैल्यू कैलकुलेशन फॉर GST में कह रहा है, तो आप इसको नो ही रखिए, ठीक है, क्योंकि इस पर राउंड अप वगैरह पर कुछ GST वगैरह चार्जेज नहीं होते। चलिए इसके बाद अब हम इंटर बटन प्रेस करके सेव कर लेते हैं, हमने सेव किया। अब देखिए कि इन सब में तो एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं खुल रहा था, ये अपने से आ जा रहा था, लेकिन राउंड ऑफ के अंदर में कैलकुलेशन मेथड, टाइप ऑफ कैलकुलेशन पूछ रहा है, तो टाइप ऑफ कैलकुलेशन में हमको यहाँ पे कोई इसका सरचार्ज फिक्स नहीं रखना है, कोई यहाँ पर कोई अमाउंट फिक्स नहीं रखना है, बस हमको करना क्या है कि जो लास्ट में फाइनल अमाउंट आए और उस फाइनल अमाउंट में जो दशमलव के बाद जो आपका नंबर बच जाता है, जैसे 22 रुपया 50 पैसा, 22 रुपया 80 पैसा, 22 रुपया 10 पैसा, है ना, इस तरह से कुछ भी एग्जाम्पल्स में रह सकता है, हमको सिर्फ पैसे को रिमूव करना है। तो देखिए इसके लिए हम चुनेंगे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, क्योंकि हमको टोटल अमाउंट के ऊपर हमको क्या करना है, राउंड करना है। अब इंटर बटन हमने प्रेस किया तो आगे मिल जाता है राउंडिंग मेथड, तो राउंडिंग मेथड में आपको तीन मिलता है, एक है डाउनवर्ड राउंडिंग,
एक है नॉर्मल राउंडिंग, एक है अपवर्ड राउंडिंग। बच्चों ये काम आप ना एक्सेल में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए ना एडवांस एक्सेल पढ़ना होगा तब। लेकिन उतना में आप टैली अगर सही ढंग से कर लेते हैं, एक एडवांस बनते हैं, और टैली चीज ही अलग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल करनी है, यानी अगर आप टैली कर रहे हैं तो एक्सेल भी थोड़ा नॉलेज रखिएगा, क्योंकि एक्सेल नॉलेज रखने से आप थोड़ा और एडवांस कहलाने लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना राउंडिंग मेथड में तीन ऑप्शन दिया गया है, डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग। तीनों का क्या मतलब है? अगर हम यहाँ पे डाउनवर्ड राउंडिंग को सेलेक्ट करते हैं, तो अगर कभी भी कोई अमाउंट, जैसे हमने आगे में लिमिट पूछता है, तो देखिए आगे में है लिमिट, लिमिट में अगर मान के चलते हैं कि हम यहाँ पर एक रुपया दे देते हैं, तो चाहे एक पैसा एक्स्ट्रा हो, 10 पैसा एक्स्ट्रा हो, या 50 पैसा एक्स्ट्रा हो, ठीक है ना, या लास्ट में 99 पैसे भी रहेगा, अगर 22 रुपया 99 पैसे भी रहेगा तो उसको डाउन करके आपको जीरो में बदल देगा, यानी 22 रुपया 99 पैसे को लास्ट में बिल कितना आएगा, सिर्फ 22 रुपया, ठीक है। वापस आते हैं बैक स्पेस करके। अब देखिए बच्चों सेकेंड है आपका नॉर्मल राउंडिंग। नॉर्मल राउंडिंग का मतलब है कि अगर हम इसको नॉर्मल राउंडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक रुपया देते हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर आपका अमाउंट 50 पैसे से कम है तो आपका जीरो हो जाएगा, और यदि 50 पैसे से अधिक है तो आपका एक रुपया बदल जाएगा। जैसे हमारा अमाउंट 22 रुपया 10 पैसा है तो वो सीधे 22 रुपया हो गया, हमारा अमाउंट 22 रुपया 52 पैसा है, 22 रुपया 50 पैसा है तो वो आपका 30 रुपया बन जाएगा। यानी कि नॉर्मल राउंडिंग यानी 50 पैसे से ऊपर जो भी आपका पैसा आएगा वो आपका 1 रुपये में बदल जाएगा, और 50 पैसे से नीचे जो भी आपका होगा वो आपको 0-0 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तीसरी टाइप जो है वो है आपका अपवर्ड राउंडिंग। अपवर्ड राउंडिंग में क्या होता है कि यदि आपको राउंडिंग मेथड अपवर्ड सेलेक्ट कर लिया, तो अगर आपने अपवर्ड किया, लिमिट में आपने 1 रुपया दे दिया, तो इसी स्थिति में क्या होगा कि आपको चाहे 22 रुपया 5 पैसे हो, 22 रुपया 1 पैसे क्यों ना हो, ठीक है, वो सीधे आपको 23 रुपया हो जाएगा, यानी सीधे आपको 1 रुपये में चेंजेज हो जाएंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं नॉर्मल राउंडिंग का, ठीक है ना, नॉर्मल राउंडिंग का। आपने लिमिट कितना सेट किया, 1 रुपया, क्योंकि बच्चों अगर 1 रुपया इसलिए क्योंकि पैसे का ही हम लोग राउंड करते हैं, लेकिन अगर किसी को राउंड 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया अगर छोड़ना है तो उसके लिए ना आप डिस्काउंट का भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, आप डिस्काउंट लगा सकते हैं कि जो भी मेरे पास से बिल लेगा उसमें हर बिल में 5 रुपया 10 रुपया डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन ऐसा सही होता नहीं है क्योंकि ज़रूरत के अनुसार ना अलग अलग चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर राउंड ऑफ क्या होता है आपको हमने अच्छी तरीक़ों से बता दिया है, हमें ऐसा नहीं लगता कि अब आप लोग को राउंड ऑफ भी अलग से बताने की आवश्यकता है। हाँ, अभी प्रिंट ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अभी आपको सीखनी है, आप हर एक वीडियो को ध्यान से बारीकी से सीखेंगे, कभी समस्या होने वाली नहीं है। चलिए तो हम इंटर बटन प्रेस करते हुए फिर से, अब कुछ नहीं देना है, अब तो फिर से वापस से इंटर प्रेस करते जाइएगा, इंटर मारते जाएगा, और ये सभी ना आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शन है बच्चों, अलग अलग ऑप्शन है, बहुत काम का ऑप्शन है। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, और जब रेगुलर आप पढ़ते रहेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद देखिए बच्चों नेम ऑफ क्लास, जो हमने बोला था कि आप क्लास, जैसे मान के चलते हैं कि कभी कभी ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नेम ऑफ क्लास, जैसे हमने कर दिया जीएसटी इनवॉइस हमने बना दिया। अब जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे ना, तो देखिए यही फीचर ना आपको यहाँ भी मिल गया, देख रहे हैं ना, क्लास का अलग से, यानी जब आप एफ8 बटन दबाइएगा ना तो यही क्लास का ऑप्शन खुलेगा, यानी जीएसटी जो हमने लिखा, अगर मान के चलते हैं कि अगर ये नहीं लिखना है, अगर आपको लिखना है एम जैसे से आपका खुद का नाम, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही एफ8 बटन प्रेस कीजिएगा तो दोनों ऑप्शन दिखाई देगा। तो फिलहाल हम इन जीएसटी क्लास का कोई मतलब नहीं रखते हैं, इसको जो है हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। ख़त्म हमने कैसे किया, तो हमने कुछ भी लिखा, इसके बाद जब हम अंदर गए थे तो एक बार एस्केप बटन हमने प्रेस किया, इसके बाद जब भी हम इंटर बटन पर दबाएंगे तो अति होगा, तो हम बैक स्पेस के थ्रू करेंगे तो भी पीछे जाएंगे, यहाँ हटाने के लिए आपको फिर से कोई एक लेटर टाइप कर लीजिए, बैक स्पेस कीजिए, हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने नेम ऑफ क्लास सेट नहीं किया, अब इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो हमने एक काम कर लिया, तो जो काम हमने सेल्स के साथ किया है यह चीज़ आप पेमेंट के साथ कर सकते हैं, रिसिप्ट के साथ कर सकते हैं,
परचेज के साथ कर सकते हैं। तो हमने ये काम भी परचेज के साथ किया था। तो देखिए आपको हम परचेज भी दिखला देते हैं। हमने परचेज में गए और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके नीचे हमने आया, यस बटन हम प्रेस किए। तो देखिए हमने ये काम परचेज के साथ भी कर रखा था, इसलिए ताकि हम आप पहले से दिखा सके, ठीक है। तो हमने परचेज के अंदर कर लिया, सेल्स के अंदर आपने कर लिया, ठीक है। और अगर कभी कभी ना कोई कोई को पेमेंट जब भी हम बैंक से करते हैं ना, तो हम चाहते हैं ना कि उसका एक लेजर बैंक पेमेंट बना लें। चलिए इसके बारे में हम चर्चा भी आगे करेंगे। अब स्कैप बटन दबाते हुए बच्चों, जब भी आपका यस नो वाला ऑप्शन का काम हो जाए तो आप ESC बटन को दबा करके पीछे की ओर आ सकते हैं। अब हम चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं अकाउंटिंग भाउचर पे। अकाउंटिंग भाउचर पे आपको एंटर प्रेस करना है। तो देखिए आपका ये बिल आ गई है इस तरीके से आपको एंट्री करने के लिए। अब आपको एक चीज़ इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो आपने ऑटोमेटिक, देखिए सेल्स भाउचर में आ गया ना, जैसे आपको परचेज में आ रहा था, ठीक है। देखिए जैसे आपको परचेज में आ रहा था, देखिए परचेज में आ रहा था ना, उसी प्रकार अब आपको किस में आने लगा, सेल्स में। लेकिन अभी देखिए आप पेमेंट में जाइएगा तो थोड़ी आएगा, पेमेंट में आपने सेट नहीं किया, कॉन्ट्रा में आपने सेट नहीं किया, तो जिसमें आप सेट करेंगे ना उसमें आएगा। अब हमको करना क्या है कि जो डेट लेनी है, डेट के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पे जो पार्टी बनाएंगे उसका आपको जरूरी है, यही देखिए ऑटोमेटिक जो आ रहा है ना बच्चों नंबर, यही नंबर आपको ऑटोमेटिक दिखाता है। तो इसके लिए भी आपको हम अलग से वीडियो बनाकर देंगे। कमेंट्स आते रहना चाहिए और लाइक्स तो आपके ऊपर है कि आप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, कि कोई प्रेस नहीं है। बच्चों शेयर जरूर कीजिएगा, बच्चों को जरूर बताइएगा। देखिए तो अब यहाँ पर हम आपको रेफरेंस नंबर इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परचेज में आता तो परचेज वाला दे देते हैं, पर उसमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट नेम ना हम बना लेते हैं फिर से एक नया, जैसे हमने और दो पार्टी बनाते हैं फिलहाल, हम एक बना लेते हैं मिस्टर ABC कर देते हैं, ठीक है। मिस्टर ABC शॉप अंडर कहाँ रखेंगे, संडे क्रेडिटर, ठीक है। संडे क्रेडिटर हमने पहचान के लिए MS भी डाल दिया। इसके बाद इंटर मारते हुए हम आगे बढ़ेंगे, पिन कोड इनका दे दीजिएगा, बैंक अकाउंट दे दीजिएगा, ये सारी चीज़ हम बतला चुके हैं। इसके बाद इंटर मारते हुए हमने आगे बढ़ा। याद रखना है कि ये कहाँ की पार्टी है आपका, बिहार का, है ना। एक पार्टी हम और बनाएंगे, एक पार्टी ये हमने बना लिया, एक पार्टी हम और बनाते हैं अल्टसी करके। आप एक पर भी काम कर सकते हैं, मैं एक और बना लेता हूँ फटाफट, BCD MS MS XY Z Company, ठीक है। और अंडर में हमने संडे क्रेडिटर को रखा, और इनका जो स्टेट है इनको हमने कर दिया चंडीगढ़, या हमने इसको कर दिया दिल्ली, ठीक है। हमने इंटर बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़िए। अब देखिए बच्चों हमने यहाँ पर दिल्ली वाले के साथ यहाँ पर क्या करें, देखिए ये दिल्ली है। और अब सेल्स अकाउंट में देखिए आपको दो अकाउंट देखिए आ रही है ना, ये दो अकाउंट आ रही है, और इन दोनों में से आपको चुनना कौन है। तो देखिए ये दोनों में से आपको ए सेल्स वाला जो है या ए सेल्स वाला है ना, तो ए वाला आपको चुनना है, ठीक है, ए वाला चुनना आपको है। इसके बाद क्योंकि हमने लेजर बनाते समय ना चेंजेस किया था, अब यहाँ पे अर्सी करना है और आपको यहाँ पे कोई आइटम ले लेनी है। जैसे मानते हैं हम जींस, जो कि हमने 12% पर लगा रखा, और इसका लेजर भी हमने कैसे बनाया था देखिए हम इसको दिखा देते हैं, ठीक है ना। वापस से जाते हैं और कंट्रोल इंटर दबाएंगे ना तो कभी भी ये एडिट होता है। तो देखिए हमने यहाँ गए थे, और यहाँ पर जब आप ऑटोमेटिकली टैक्स वाला लगाएंगे तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि आपको प्रोडक्ट के अंदर GST टैक्स अप्लाई रहना चाहिए। और एक HSN कोड के बारे में बच्चों चर्चा होती है, HSN कोड क्या है, देखिए आपको HSN कोड आपको प्रोडक्ट में लेजर बनाते समय ना HSN कोड का ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, कभी कभी नहीं देता, जैसे मैंने केस में दिखाई नहीं दे रहा। तो जब भी कोई ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा दिखाई नहीं दे तो आप कीबोर्ड से आँख मूंद करके भी A12 जरूर प्रेस कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सारे फीचर्स आ जाएंगे, जैसे कि HSN SSC कोड हमने जैसे यस कर दिया, ठीक है ना। तो इसके बाद जैसे यस किया, या फिर ये भी आपको नहीं दिख रहा था 16 ऑल टैक्स, तो हमने इसको करके बताया था। तो जैसे इंटर में प्रेस करेंगे तो देखिए बच्चों डिस्क्रिप्शन और HSN कोड आ गई। तो अगर आपको किसी प्रोडक्ट का HSN कोड अगर 61 ही आ रहा है, 4-5 अंक लोग लास्ट का जरूर देते हैं, शुरुआत का दें या ना दें, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है कि प्रोडक्ट आपका कैसा है, तो हमने इसको लिख देते हैं वेस्ट क्वालिटी।
आईडी है ना, एचएसएन कोड हमने डाला 6611। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हुए आप इसको सेव कर सकते हैं। तो हमने बता दिया इसमें, और एक कब से आपने रिवाइज किया तो वो डेट बतला रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डेट आप चाहें तो उसमें वहाँ भी बदल सकते हैं। इसके बाद हमने एंटर बटन प्रेस कर दिया। यहाँ प्रेस जो ऑप्शन ओपनिंग बैलेंस दिखाता है, तब जब आप एक साल से दूसरे साल में जा रहे हैं या कोई पहले से प्रोडक्ट बचा हुआ रह गया शॉप खोलने से पहले, तो ये सारी चीज़ हम ओपनिंग बैलेंस में डाल करके वापस लाते हैं। चलिए इंटर बटन प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर हमने एक पीस है ना, जो जींस है हमने एक पीस ना सेल्स कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों नेगेटिव बता रही, नेगेटिव बता रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे पास सामान नहीं है तो नेगेटिव दिखाएगा, लेकिन एंट्री हो जाती है जैसे ही आप परचेज कीजिएगा ना, ये एक पीस आपका माइनस हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पर इंटर बटन प्रेस किया तो आपको यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये रेट तो आपको 1516 रुपये जो फिक्स थी ये आपका आ गया। रेट स्टैंडर्ड रेट कैसे सेट करते हैं सारी चीज़ पीछे का वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड रेट हमने यहाँ पर सेट कर दिया। इसके बाद देखिए आपको नज़र क्या आ रही है कि यहाँ पर आपको जो जीएसटी है, ध्यान दीजिएगा जीएसटी है 181.92 रुपये जो आ रही है, और टोटल अमाउंट में देखिए 8 पैसा आपको राउंड हो गया है। यानी अगर राउंड ऑफ का अमाउंट को हम हटा दें, अगर इसको हटा दें तो क्या होगा कि यहाँ पर 8 पैसा आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो देखिए आपको राउंड यहाँ से खुद पे खुद हो गई है। तो इंटर मारते हुए अगर आप दूसरा फिर से आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं जैसे कि आपको 18% का है, तो आप एक पीस हमने जैसे ही लिया और इसका रेट हमने 10,000 में ख़रीदा था, इसका हमने स्टैंडर्ड रेट सेट नहीं किया है। अगर आप इसका स्टैंडर्ड रेट सेट करना चाहते हैं तो आप इसको कंट्रोल इंटर कीजिए, या जिस समय आप लेजर बनाते हैं बच्चों उस समय आप इसको कीजिएगा। देखिए अल्टर स्टैंडर्ड रेट, अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रही है तो आप फिर से क्या करेंगे कि कीबोर्ड में F12 को प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगी इनेबल स्टैंडर्ड रेट। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, हमने इसको यस कर रखा है। तो जहाँ पे भी अगर कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए ना, आप इसको F12 बटन प्रेस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब जैसे हमने इसको यस कर दिया, ठीक है, तो ए एप्लीकेबल फ्रॉम कब से डेट आपको चाहिए, तो हम इसको सेलिंग प्राइस को सेट कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि 1/1/2023 से ए आपका चेंज रहे। तो हमने 10,000 में ख़रीदा था, हम इसको 11,000 रुपये में सेल करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर कैसे ओपन करते हैं ये सारे चीज़ हमने डिस्कस किया है बच्चों, अगर रेगुलर देख रहे हो तो हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए हमने इसमें भी रेट वही सेट कर रखा है यस करके, और HSN कोड अगर आपने नहीं दिया है तो आप इसमें HSN कोड दे सकते हैं, ठीक है। बाकी इंटर मारते हुए आगे, तो ये देखिए दो प्रोडक्ट आपका आ गया, और देखिए यहाँ पर जो भी आपको पॉइंट में आएगा ये आपका सारा चीज़ राउंड होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। ये आपका IGST निकल गया। अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि जो टैक्स है किस पे कितना लगा है, सही है या नहीं। तो आपको कहाँ क्या करना है, अल्ट के साथ ए प्रेस कीजिएगा तो टैक्स एनालिसिस मिलेगा, और अल्ट F1 प्रेस कीजिएगा तो आपका ये डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये देखिए 12% है या 18% है, ये एक ही रंग के क्यों है, क्योंकि इस जो पार्टी है कहाँ की है, एक्स बजट जो पार्टी है वो आपका दिल्ली का है। अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं MS ABC शॉप को, तो ये जो पार्टी थे कहाँ के थे आपका, और हमने इनको कहाँ बनाया था, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में बनाया था। इसलिए भूल करके भी आप परचेज में एक काम नहीं कीजिएगा। फिलहाल हम आपको सिर्फ करके दिखा रहे हैं, देखिए ये बिहार के हैं, तो जब हम इनसे सेल्स करेंगे, इनको अगर हम प्रोडक्ट बेचेंगे तो देखिए बिल पर क्या लग गया अपने से, आपको लग गया यहाँ पर CGST लग गया, और एक बिल पर आपको लग गया SGST आपका लग गया, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सप्लायर को सेल्स हम लोग नहीं करते, है ना, हम लोग परचेज करते हैं। तो यहाँ पे एक अलग से हम कस्टमर का अकाउंट बनाना है, तो अलसी हमने यहाँ से बना लिया नाजिर इमाम। चलिए इसी तरह से हम किसी न किसी स्टूडेंट को भी साथ में रखते रहते हैं, बुरा नहीं मानिएगा बच्चों। यहाँ पे संडे डेटर्स हम इनको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो भी कस्टमर होते हैं संडे डेटर्स के अंदर में आते हैं, और ये कहाँ के हैं याद रखना, बिहार का है, और हमारी कंपनी भी बिहार की है, ठीक है। अगर इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इनको ना अनरजिस्टर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि इनके पास कस्टमर के पास ना GST वगैरह नहीं होता, ठीक है, सभी के पास नहीं होता, लगभग 99% के पास नहीं होता। देखिए अगर यहाँ पे हमने सेल्स ले लिया, अब देखिए ये बिहार के हैं तो इनमें CGST और SGST लग गया। अब इसको इंटर मारते हुए बिल को कर लीजिए यहाँ से सेव। अगर नारेशन को देना तो दे दीजिए, ईवे बिल निकालना तो दे दीजिए, तो इसमें ईवे बिल भी नहीं चाहिए तो रहने दीजिए। ये भी हमने बता दिया था कि क्या होता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं।
अब इसको इंटर मारते हुए देखिए सेव करेंगे। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे रही है, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन फॉर ईबे बिल इज नॉट स्पेसिफाई, है ना, ईबे बिल हमने नहीं निकाल रहा है, इसके लिए आपको एरर दे रहा है कि यहाँ पे नॉट स्पेसिफाई है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, इंटर एक और मारते हैं तो ये आपका सेव हो गया बच्चों। अब देखिए हम इसका प्रिंट देखना चाहते हैं तो हमने पेजअप बटन को निकाला, पेजअप से आपका दिखता है, या आप जितने भी भाउचर पास करते हैं जितने भी, वो कहाँ सब दिखाई देता है, तो डिस्प्ले पे। आप डिस्प्ले पे इंटर मारिएगा तो यहाँ मिल जाएगा डे बुक, आप इंटर मारिएगा तो देखिए यहाँ पर मिलेगा डिस्प्ले में डे बुक। लेकिन ये कब का दिखा रहा है, 1 फरवरी 2023 का। लेकिन अगर हमने कोई भी सेल्स या कोई भी परचेज अगर हमने 2022 में की होगी किसी मंथ में, तो वो कैसे दिखाई देगा, क्योंकि ये तो 1 फरवरी 2023 के बाद का है। तो देखिए उसको लगभग करना क्या होगा कि आपको यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन होता है पीरियड का, है ना, तो पीरियड पे जैसे ही कीजिएगा, इसका शॉर्टकट है अल्ट के साथ F2, तो पीरियड पे क्लिक करेंगे, अब दे देना है डेट, तो हम यहाँ डाल देते हैं 1/4/22, ठीक है, 1/4/22 से हम अब तक देखना चाहते हैं। नीचे में आप रख सकते हैं करंट, और अगर आपको किसी ऑनर ने कहा, कंपनी के बॉस ने कहा कि हमको सिर्फ एक महीने की डेटा चाहिए, सिर्फ एक महीने की, या आपसे कह दिया सिर्फ एक सप्ताह की चाहिए, तो क्या करिएगा, फ्रॉम में लिख दीजिएगा जिस डेट से चाहिए, और टू में लिख दीजिए जिस डेट तक चाहिए, यानी जिस डेट से जिस डेट तक, तो ये आपको प्रिंट में मिल जाता है। तो हमने इंटर बटन प्रेस किया, तो यहाँ पर कोई भी बिल ऐसा पास नहीं है जो 1 अप्रैल के बाद है, इसलिए फरवरी में ही आपको सारा के सारा दिखाई दे रहा है। तो अब आशा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो और बिल में अगर कोई संशोधन करना, जैसे कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि जब आप कहीं काम करने जाएंगे ना, तो जब आप परचेज या सेल्स वाउचर पास करेंगे तो सेल्स में तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो तो आपकी मर्जी होती है। लेकिन अगर आपने कोई बिल खरीद कर लाया और परचेज बिल में अगर कोई संशोधन करना है, आपने आधा चढ़ा लिया और आधा पर से प्रॉब्लम हो गई, अब छोड़ कर जाना है, अब छोड़ कर जाइएगा, तो ऐसा मत कभी भी गलती मत कीजिएगा कि आप आधा पर से उसको सेव नहीं कीजिएगा, आप उसको सेव कर लीजिएगा। यदि आप उसको सेव कर लीजिएगा तो दोबारा जब डेबुक में आइएगा ना, डिफो डेबुक में आ जाइएगा, तो आपको वो भाउचर दिख जाएगा। अब जब भाउचर दिख जाएगा तो जिस भाउचर में आपको कोई संशोधन करना है, उसको इंटर मार के आप यहाँ ओपन कर लीजिए। देखिए हमने परचेज वाला में आपको बताया था सारी चीज़ों को, तो आप इसमें संशोधन कर लीजिए, बिल्कुल आसान है आपका, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपको सेल्स वाउचर में आते हैं, इंटर बटन प्रेस करते हैं, देखिए सारी चीज़ आ रही है। तो हमने पहले से जो लगाया था सेल्स वाउचर में, वो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है ना। तो CGST SGST हमने लगाया था। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा सोचिएगा कि सर हमने यहाँ पर IGST का ऑप्शन दिख रहा था, वो कहाँ गया। तो बच्चों यदि एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं रहता है ना, तो आपका गायब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर फिक्स है, इस वजह से आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आ रही हैं, और IGST से गायब है, क्योंकि इस बिल में IGST का ऑप्शन नहीं है। अब इसको प्रिंट करके देखना है, तो कैसे देखना, अल्ट के साथ हमने पी को प्रेस किया, और उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दिया या यस कर दिया, तो देखिए आपके सामने बिल आ गई। अब हमको जूम करना, अल्ट जेड के साथ इस तरीक़ों से, आप देखिए इस तरीक़ों से ना आपका पूरी डिटेल्स आ गई है। आप और भी जूम करना चाहते हैं, और हमने शॉर्टकट से कैसे जूम करता है, इसका आप शॉर्ट वीडियो हमने दे रखा है, आप उसको जरूर एक बार देख लीजिए। तो देखिए ये सारे चीज़ आपको, ये देखिए HSN वाइज प्रोडक्ट कोड आ गया है ना, सेंट्रल कोड अलग, सेंट्रल टैक्स अलग आ गया, स्टेट टैक्स आपका अलग आ गया, HSN कोड 6111 वाला जो प्रोडक्ट है बच्चों, देखिए ये अलग आ गया, और ये प्रोडक्ट आपका अलग आ गया। तो इन सब में ना ऑप्शन का खेला होता है, आप जितना ऑप्शन के बारे में जानेंगे ना टैली में, उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनेंगे। अगर ऑप्शन कम जानेंगे, कम पढ़ेंगे, सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे, तो इसमें आपको एक्सपर्ट बनने के चांसेस ही नहीं है। इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सीखिएगा। ये देखिए नरेशन में ही कुछ नहीं आ रहा, अगर नरेशन में कुछ लिखना है ना, तो आप वो भी डाल सकते हैं, आगे में दिखाएंगे। ये देखिए नीचे में दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड इन्वॉइस बिल आ रहा है ना, ये भी आप बदल सकते हैं, ठीक है। ऊपर में जो हेडिंग है, हेडिंग में देखिए लिख रहा है ना टैक्स इन्वॉइस बिल, इसके जगह ना आप अपने दुकान का हेडिंग भी शो करा सकते हैं। तो सारे चीज़ आपको आएगी, तो इन सभी चीज़ का ना आपको सेटिंग सीखना पड़ेगा। आप हमारे साथ हर एक वीडियो के साथ रेगुलर बने रहें, आपको कभी भी कहीं भी हम दिक्कत होने नहीं देंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक था कि आपको ऑटोमेटिकली टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरीक़ों से लगाना है। तो याद रखिएगा, आपको लास्ट में हम वापस से बता देते हैं
इन्वेंट आपको जाना है अकाउंट सिंफो में, आपको जाना है वाउचर टाइप्स में, क्रिएट ना करके आपको करना है अल्टर, और जिस वाउचर में आपको संशोधन करना है आप इसमें कर सकते हैं। तो देखिए हमने आपको सारी चीज़ों को एक एक करके आपको डिस्कस किया था। तो बच्चों आशा है कि आपको सारी चीज़ों को एक ही कर समझ में आई होगी। तो अगर आप लास्ट तक देखे होंगे तो ज़रूर आई होगी। अगर आपको कहीं भी संशोधन लगे, कहीं भी कोई दिक्कत लगे या फिर बोलने में ऐसा डाउट्स लगे तो आप एक बार ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि जब तक कि आप हमें सही ढंग से बतलाएंगे नहीं ना, तब तक हम कैसे जान पाएंगे आपके पास प्रॉब्लम्स क्या है। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के लिए हमें तो आपको कमेंट्स करना होगा। या अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं, आप टैली के स्टूडेंट्स हैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन करके रहिए, ठीक है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत लगता है तो आप बताइए, क्योंकि हम सारे कमेंट्स को तो पढ़ते हैं पर आप लोग का तो कमेंट्स ही गायब रहता है, ठीक है। तो आप कमेंट्स करते रहिए बच्चों, जितना ज़्यादा शेयर करते रहिए। आप अगर सपोर्ट करते हैं तो जैसे जैसे हमारे फीचर्स इनेबल होती जाएगी, हम आपको उतना बेहतर ढंग से आपको वीडियो लाते रहेंगे, और लाइव सेशन की भी क्लास बहुत जल्दी हम लाएंगे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। नोट्स को जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, यदि प्रिंटआउट चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आप इसके लिए हमें मैसेज कीजिएगा।